फाइनली आज हम ऑफिस का सामान लेने जा रहे हैं भाई। इतनी बड़ी लिस्ट है, क्यों ना एक टेम्पो लेके आए नया। परसों मरा हुआ हो जाएगा। ये भी हम गिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को। असल में हैबिट इतनी खराब हो रही है, इसी में रहने की भाई। फाइनली बेड वेड ले लिया है भाई। एक चेयर गिर सकती है। जबरदस्त लड़ाई मैच की है। लोग बग रेंट पे ले हमारा स्टूडियो शूट करने के लिए। स्टूडियो बनाओगे जबरदस्त वाला, जो बिग बॉस हाउस के भीतर बढ़ गए। जबरदस्त काम हो रहा है, छत पे ही हो है। चक्रवर्ती ब्याज भी लगा कर वो लेना पड़ेगा। फिर भी तो नचाने आड़ा मैं चोरारी आड़े आड़ा। एक एसी, एक फ्रिज, एक कूलर, एक पंखे, तीन सब कुछ खरीद सकता हूँ। पैसों में अंधा हो गया हूँ। कूलर ऑलरेडी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? राम राम सभी को। लिस्ट बन चुकी थी आधी, यहीं से कंटिन्यू करो। इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट बना रहा है देख। गाइस फाइनली आज हम ऑफिस का सामान लेने जा रहे हैं भाई। जग सोना सोना लागे दोस्त। एक एसी लेकर आऊंगे, एक फ्रिज, ये तो मेन मेन सामान है। मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी लिस्ट बताई ना। हाँ यार, ये अभी बनानी शुरू करी थी व्लॉग से जस्ट पहले। ये हमारी याद रहे। अच्छा अच्छा, इसकी तो देख, इसकी तो देख, एक एक लिख रखा। तो मेरी बात तो सुनो, जो सामान है मम्मी को आया सारा सामान मैं तनाड़े दे दूंगी। मम्मी क्या क्या सामान आ रहा है? गैस चूल्हा। हाँ, हालांकि एक बेड यहीं पे है, दो तीन चेयर यहाँ मिल जाएंगे हमको। कॉफी मशीन हमको बिल्कुल नहीं मिल रही है। ओवन, ओवन हमको नया मिल गया है। अच्छा, और नहीं ठीक है, हमारे पास गाइस जो भी आएगा ना, हम सामान परिपूर्ण रखेंगे ठीक है। पहले बताओ ना, कुर्सी है मेरे पास, सुने तीनों डाल के क्या चूल्हे, सिंगल भी है, डबल भी है, अलवाई की दुकान ना खोल लियो, काम करना है। चेयर टेबल की बात कर लो, मैं लैपटॉप की बात कर लो। ना सही बात है, सही बात है। और भी बताओ अपनी लिस्ट में, जो ऊपर देख के आई थी। और लिस्ट में गाइस एक वैक्यूम क्लीनर लेके जा रहे हैं, और एक लेके जा रहे हैं जो कार वॉशिंग का, वहां पे गाड़ी गुड्डी भी धो लेंगे और बाकी सफाई भी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, ये सामान वो है जो यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, निकलवाते हैं एटीएम से कैश और चलते हैं अपना सामान लेने के लिए। उससे पहले हमको चाहिए एक टेम्पो, क्यों ना एक टेम्पो लेके आए नया। ये देखो दोस्तों, मेरे सोने का कट्टा, गोली चलाता तो सामने वाला खुशी से मर जाता है। Let's go. लेकिन टेम्पो लेने के लिए पहले भाई लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेते ही मम्मी से बात करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि लोन मम्मी देगी। एक टेम्पो लेना है, चक्रवर्ती ब्याज भाई सुनते डर लग गया। हम तो सर पर डर लाओगे ब्याज भाई बैठने। नहीं पैसे दूंगी तो ब्याज तो नहीं है, तो मेरे को देते रही महीने की तनख्वाह बनती है। पैसे मर भी जा रहा है, हम लेके भाग जाएगी पैसे। ना चक्रवर्ती ब्याज जब तक वो दूं ना फिर। ग्लास लाइक स्किन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ग्लास लाइक स्किन, लेकिन कैसे मिलेगी उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ गाइज। मैं मामा अर्थ ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जिससे आपको ग्लास लाइक स्किन मिल सकती है गाइज। ये है मामा अर्थ का राइस वाटर ड्यू सनस्क्रीन, ये है मामा अर्थ का राइस वाटर ड्यू एक्टिव सीरम। इन दोनों के अंदर है राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड दोनों। भाई राइस वाटर के बारे में सबको पता है, राइस वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। पहले दादी पड़दादी वही यूज करा करती उस टाइम पे। भाई राइस वाटर वाला प्रोसेस बहुत ही लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है, तो अपना टाइम बचाने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स। दोनों ही प्रोडक्ट्स मेड सेफ हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं। अगर हम इस सीरम की बात करें तो गाइज इसके अंदर 98% प्योर राइस वाटर है। तो गाइज इसका टेक्सचर देखो भाई, कितना जबरदस्त टेक्सचर है फेस सीरम का। और इसको भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपनी स्किन के ऊपर, और ये देखो भाई, मतलब क्विकली एब्जॉर्ब है और ग्लास लाइक स्किन आपको दिख रही होगी बिल्कुल है, कितना ज़बरदस्त ग्लो आ रहा है स्किन पे गाइज। और बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है भाई, मज़ा आ गया वैसे, अलग से ही शाइन हो रही है, तुम खुद देख लो भाई। नहीं गाइज, राइस वाटर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और नाइसिनमाइड इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है। अगर सनस्क्रीन की बात करें तो आप सोच रहे होगे भाई कि अभी तो इतनी धूप नहीं पड़ रही है, अभी तो मॉनसून आ रखा है गाइज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आपको सनस्क्रीन यूज करनी ही होती है, क्योंकि सनस्क्रीन हमें यूवी रेस से बचाती है भाई। अगर आप घर के अंदर भी हो ना, तो जो हमारे जो लाइट्स वगैरह होती हैं उनमें भी यूवी रेस आती हैं भाई, तो आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही लगानी है। और अभी बात करें सनस्क्रीन की, ये देखो
और ये भी बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है। और आपने देखा होगा भाई सनस्क्रीन व्हाइट पैचेस छोड़ देती है, ये बिल्कुल भी नहीं करती है, ऐसा आप देख रहे होगे, इजीली स्किन के अंदर डिजोल्व होगी। देखो भाई मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो अगर आपको भी अच्छे लगे हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से जाके आप इसको इजीली कर सकते हो परचेज। और अगर आप मामार्थ की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऐप से करते हो परचेज और मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है RC2024 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये अमेजन नाइका फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स पे भी। और हाँ गाइज आपकी बात सुनता है मामार्थ, अगर आप कोई फीडबैक देते हो इनके प्रोडक्ट के ऊपर तो उसको रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू वो और ज्यादा बेटर क्वालिटी में लेके आते हैं, जैसा कि उन्होंने किया था अपने ओनियन शैम्पू के साथ। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग है ये प्रोडक्ट, जल्दी जाओ परचेज करो। गाइज तब बताओ कमेंट करके कितना प्यार दे रहा है अपनी मम्मी को। ताली ला। अरे मम्मी के पैसे लेके भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए। चल आगे चाय बड़ी ना बड़ी। चाय ना यो ना प्यावा चाय इसके जी में बोले चाय पीने की। आज का मेरा के है, आज का दिन नहीं, आज की रात रात रह रही है, शाम रह रही है, इस शाम को ही हमने सारे काम करने हैं क्योंकि कल हमको एक दिन मिल गया है पूरा सफाई करने का, सेटअप करने का, डेकोरेशन करने का, हलवाई रेडी करने का, और परसों हमारा वन होगा। ठीक है लिस्ट जल्दी बना ले भाई। एक मिनट वो बीन बैग्स। हाँ बीन बैग्स रख ले। फाइनली भाई सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं हम, गाड़ी पूरी खाली है, इसे पूरी भर देंगे, जो सामान घर पे मौजूद है वो सामान का पूरा उपयोग करेंगे भाई। अब चलते हैं ऊपर सामान लेने के लिए। पानी है गाड़ी में दिक्कत देगा, इन थोड़ी देर बाहर गिर दे पाइप वाइप खोल के। ये हमारे काम आएगा भाई गाड़ी गुड़ी धोने के लिए और फर्श वर्श धोने के लिए। फ्रैंक तगड़ा उसका इस तरह बंदूक के तू समझ नहीं रहा। ये खुल गया हमारा खजाना, मैं भी यही बोलने वाला था। यहाँ पे रखा है मेरा सारा सामान कैंप वैंप का, तो हम लेके जा रहे हैं भाई। एक तो वैक्यूम क्लीनर ठीक है, इसको रखते हैं गाड़ी में, ले चल गोदाम। नेक्स्ट बाहर रख लीजिए गाड़ी के बाहर। ठीक है अंदर जूसर ले ले, एक लेके जा रहे हैं एयर फ्रायर। कर रहा है घर कर रहा है कती इसके अंदर पाओगा ना पाओगा। और एक लेके जा रहे हैं भाई मिक्सी, मिक्सी का जार वगैरह ऊपर ही रखे सारे। और ओवन लेके जा रहे हैं, ओवन इसके अंदर रखा हुआ है नीचे वाले में। हाँ जो नहीं लेता के जूसर यो बारबेक्यू नीचे वाला जूसर, ये मिक्सर यो बिल्कुल सील बैग रखे हैं। अच्छा ये ओपन एक हमारा ओपन रखे हुए। ठीक है ठीक है ओपन एक नहीं तीन तीन रखे हुए हैं। अच्छा तो हमने लेकर दस यो क्या रखा। इलेक्ट्रिक कुकर ले लिया भाई, इलेक्ट्रिक ओवन वाला काम भी करेगा यो। और वैक्यूम क्लीनर ले लिया हमने और साथ में इसकी जाली वाली प्लस चेयर्स आ रही हैं अभी तीन, और तीन आइटम रखे हैं उसके अंदर। हालत कभी खराब होली भाई लिया है वो तो मान लिया है। चेयर चेयर की तो मस्ट जरूरत है बिल्कुल, जितनी भी चेयर होगी उतना ही फायदा है। चार कुर्सियां तो हैं, तीन कुर्सियां हैं पर फिर भाई एक टाड़ा बंद है। मेरी बात सुने, एक तो झूला नहीं है बड़ा, हां जगह भी खाली होगी मारी झूला आ जाए सारे उधर वो झूला बढ़िया है ना। वैकम कर टेंपू भाई परवा का ना झूला उड़े रखवा देंगे और बर्तन बर्तन तो खरीद ले बर्तन लेने पड़ेंगे भाई। आंटी न्यू सोच रही आंटी किचन में तो ले आएंगे ना मुर्दा। ये भी हम गिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिस को, कैसा झूला रहेगा ये मस्त। इसे ना उसमें डाल देंगे हॉल में, हां पीछे घास जित लगाओगे ना उसमें रख देंगे अंदर हॉल में, अंदर हॉल में वो देख लेंगे सेटिंग कर लेंगे तुम्हारी समझ रहे हो तुम। ठीक है बढ़िया बन जाएगा हॉल वो। चलो चलो भाई निकल गए हैं सामान लेके, और जो थोड़ा बहुत सामान अभी लेना है हमको वो लेना है शॉप से। हमने घास लेनी है एक, और वो घास लेके सीधा अभी हम घास मतलब दीवार वाली घास जो हमको डेकोरेशन के लिए चाहिएगी, आप देख लेना भाई जब फुल रेडी हो जाएगा आपको दिखाएंगे हर एक चीज। लो भाई फिलहाल घास लेने के लिए आए हुए हैं अपनी, और ये लेके चल रहे हैं, और इसके बाद क्या करेगा हमारा लाइट्स, ये लाइट्स भी लगवानी है लोगो लोगो। चलो उठा
लो भाई घास भी आ गई है, ईद चलते हैं फाइनली। हालत इतनी खराब हो रही है, दिमाग खराब हो गया। असल में हैबिट इतनी खराब हो रही है सिमर रहने की भाई। अरे बिना ए सी के हो जाए भाई, जी दुखी हो लिया किसी। फिलहाल सामान अब लेके चल रहे हैं ऑफिस पे। लो गाइस आ गए अपने घर पे, सॉरी अपने ऑफिस पे, और सामान वामान उतार रहे हैं अपना, काम वाम करेंगे। आज मेरी कमर में झटका है, आपको दिखाता हूँ भाई ये घास हम क्यों लेके आए हैं और कहाँ पे लगवाने वाले हैं। आ जाओ भाई, गौतम भी हेल्प करवा रहा है हमारी। इसको बनाने वाले हम स्टूडियो, इस हॉल को, इसको इस हॉल को, तो ये घास लगने वाली इसके बाद पूरी पे फुला आ जाएगी, मन ना लागती। आज बाहर आ जा, गुंजे है ना भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए सारा सामान उतारो मार्केट फट दे ही ना, ठीक है। और ये देखो भाई, ये सारा सामान यूं पकड़े अंदर, अब चलते हैं मार्केट में। गाइस थोड़ा प्लान चेंज कर रहे हैं भाई, अगर हम सारे एक साथ घूमते रहे तो काम हो नहीं पाएगा। मैं और अभिषेक जा रहे हैं भाई सामान लेने के लिए, जो बाकी का एसी फ्रिज वगैरह, और गौतम जाएगा बेड लेने के लिए और झूला लेने के लिए, झूला वो जो हमारे घर पर रखा हुआ है। और कल सुबह सुबह एक लेबर ने बुलाया ना, ये सफाई करवा देंगे, या यानी अंदर की भी, अंदर की भी करवा देंगे, और यो एक फिनिशिंग सी करवा देंगे इसकी भी, और इसी की कटिंग करवा देंगे पूरे की, लेट्स सी। और फिर परसों हमारा वन हो जाएगा। अभी जगमान नहीं रहा भाई, इन्होंने ना तक ऊपर गाड़ी और हम चढ़ा के दिखाओगे। देखो भाई जगमान का देखो, अच्छा पार्टी बदल लिया। रीड्स का तो देख ले। गौतम को लगा था गौतम, हां गौतम को लगा गौतम आगे है। देखो आ गए, अरे ये बोल के दांत माननी कती कुछ नहीं, वो आ गए भाई। यो ये तो फायदा इस गाड़ी का, अरे नए टायर लगवा के रिएक्शन दे गए गौतम। उसका नाम एंटीलिया है, तो इस टाइप का कोई भी नाम हो बताओ कमेंट करके। अड्डे पाज अड्डा उठा नहीं है, अड्डा चोरा चारा का हो जाता है। हवेली में से बढ़िया हवेली मिलते हैं, कंटेंट हाउस है भाई। अरे नहीं कंटेंट हाउस भी नहीं, अरे कुछ बढ़िया प्यारा सा नाम, क्रिएटिव सोचते हैं नाम सोचते हैं। फिलहाल आ गए भाई टेम्पो वाले भैया के पास, यहाँ पर अपना टेम्पो लेंगे और फिर चलते हैं भाई अपने और छोटे। लो भाई टेम्पो रेडी हो गया अपना, इसी के अंदर बेड आएगा, इसी के अंदर झूला आएगा अपना, और गौतम संभालेगा, संभाल लेगा गौतम, पक्की बात है। एक हाथ फिर उठा यो है भाई गौतम, आप ही चलो भाई दरवानी अपने पास जाएगा हम, लो भाई हमारे घास लगाने वाले भी आ गए हैं भाई, लाइट का इंतजाम कर दिया यहाँ पे, सीढ़ी बार बैठा लिया इसे, नेबर बहुत बढ़िया है यहाँ पे जो भी हैं, तो बहुत साथ दिया हमने भी सीढ़ी का, सीढ़ी ले आए थे, और ये भी यहाँ पर इस पर पेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे और फिर यहाँ लग जाएगी। तो इसको हम बना रहे हैं अपना स्टूडियो पूरा, जो मैंने आपको बताया ये था, और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली सामान लेने के लिए, ठीक है चले। मस्त अभी से लुक आ गई झूले से, तो अभी से लुक आ गई। ये भी इसमें बैठ आ जाएगा, और छोटा मोटा जो सामान है वो हम लेकर आएंगे। गाइस फाइनली बेड वेड ले लिया है भाई, और दो चेयर्स ले ली है, हालांकि जो हमारा जो पहले का जो सामान था ना वो लेके आए हम पीछे उठा के, यहाँ पे रखा हुआ था हमारा, तो वो सामान चल रहा है अभी टेम्पो में, और फिलहाल मैं अभिषेक की गाड़ी में हूँ भाई। एक चेयर गिर सकती है, है? एक चेयर गिर सकती है, अरे ये देखा के नहीं जाना नहीं है चेयर मारी, ये वो सामान रहा टेम्पो में, और हम पहुँचने वाले हैं गाइस, और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आर्मी लगवा रखा गाड़ी पे भाई, दोनों है पापा आर्मी में मिनिस्ट्री डिफेंस है, पापा की गाड़ी है भाई।
उतर रहे हैं बेड बेड और इसके बाद जाएंगे और सामान लेने के लिए लाइक एसी फ्रिज वगैरह। और ये आज करना है हमने क्योंकि कल का लास्ट दिन रह गया है हमारा, तो कल तो सफाई वफाई होएगी और सारा सामान असेंबल करेंगे, लाइटिंग वाइटिंग करेंगे, बिजली वाला होगा। चलो वही सारा सामान तरवा दिया है और फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है अभी घास का। देखो बैक कैमरे में, लो भाई इतनी घास लग चुकी है और अभी आधा पोर्शन लगना बाकी है और ये घास भी। और बेड बेड हमने यहाँ रखवा दिए है, कुर्सी ये थी भाई, ये बेड पहले वाला बेड जो भाई जुम्मी का बेड था वो ले आए हम। और किचन का सारा सामान जचा है ना ही भाई, उन्होंने पड़ा हड़े ठीक है, रह रहा पानी वाणी थोड़ा पिला दे पानी और भाई ने तीन गिलास सफाई करवा लो भाई, लग चुकी है हमारी घास गई, अब यहाँ पे शूट हुआ करेंगे बढ़िया और इसको फुल रेडी करने वाले हैं अभी हम। तो ये पूरा मेन स्टूडियो बनेगा हमारा और एडिटिंग वेडिटिंग का मैंने बताया था उस रूम में एडिटिंग हुआ करेगी और एक रेस्ट रूम बना दिया हमने पूरा बना। तो बस कल और काम करेंगे भाई, दिन रात लाग कर आज भी रात में काम होगा और फिर अपने परसों हवन होगा भाई। सही आज हो भाई, इतनी देर में पहुंचा हूँ घर पे गाइस और अब खाना वाना खाओगे। कती पाया मैं जान निकल गई कती, इतने पसीने आ गए गाइस। क्या बना रखा है खाने में, इसके काम देख लो एक बार, देखी थक बैठी है। हाँ सही है, नोच दे वे मेरे मुंह ने इतने पंजे मार दिए मेरे। हाँ क्या चाहिए बता। मम्मी तो खाना खा रही है भाई, क्या बना रखा है खाने में आज, आलू प्याज। चलो खा लेते हैं, इतना काम करवा दिया आज, बेड रखवा दिया, चेयर वेयर आ गई, घास लगवा दी पूरी, घास लग गई अच्छी लग रही है, पूरी दीवार पा गई ना, कुछ और लेके आए थे बाकी। इतने बड़े लेबर चौक पा गए गाइस, समझ में नहीं आ रहा किसने लेके जाऊं, क्यों आज तीसरा काम हमने कभी करवाया नहीं, किसने पकड़ा यार। मूवी है कदे काम ना करे, आज तक काम नहीं हुआ तो लेट हो जाऊंगा गाइस, क्या किया जाए। चलो देखते हैं भाई, रिश्ता लेना है कोई ना कोई तो लेके जाना है भाई, जबरदस्त लड़ाई माच की है, लेमन ने जाना पड़ा छुड़वाने थे। की मर्जी है वो, मेरी बात तो सुन लो तब हाँ। तक है ना थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है ठीक है, लेन करना आज ये पूरा हां समझ गए मैं, फाइनल बता गाइस आज हम ये करवा रहे हैं भाई, ये सारा साफ करवा रहे हैं यहां से पूरा, ताकि गाड़ी खड़ी होने का रास्ता हो जाएगा। ये पूरी क्लीन करवा रहे हैं यहां से, ये पूरी सारी घास को कटवा रहे हैं, वो पहले कटवा रहे हैं। सामान मैं आपका ले आया कसी मिल ना लिया, मैं कसी लिया ठीक है, यो ये तो है पोचे, यो वाइपर तो लिया था भाई के लिए ठीक है। और एक आपका यो लिया सर, अब ये बाथरूम जो साफ करने है ना सारे साफ ठीक है। एक कसी और एक्स्ट्रा आ गई है, तसला मिल गया, नहीं कोई बात नहीं ठीक है, और फिलहाल गाइस हम निकल रहे हैं अपने स्टूडियो का सामान लेने के लिए और आज एसी भी लेके आएंगे, फ्रिज भी लेके आएंगे सारा ठीक है, अंदर ही चल रहे हो। खराब हो गई मोल्डिंग लेना वही ने, सीधी कर ले ऊपर टंकी है, पहले पकड़ ले एक काम कर ले, दो पूरे पहले आप टंकी साफ कर ले, दो ऊपर भी बार पौधे हैं, पौधे रखे हैं क्या छोटे, उसके गमले तुलसी अच्छा उसको निकाल लो भाई, तुलसी नीचे रखेंगे हम, अरे अपन ये ना उगा देंगे। बाकी मैं ना हो रहा था यो स्टूडियो इस टाइप से बना दे, लोग बग रेंट पे ले हमारा स्टूडियो शूट करने के लिए लेंगे, इसे बना देंगे डेकोरेट करके। गाइस आप बताओ कमेंट करके कि ऐसा करें या नहीं, स्टूडियो बनाओगे जबरदस्त वाला जो बिग बॉस हाउस के भीतर बढ़ गए हो।
सही बात, थोट अच्छा है वैसे ना। ओ तेरी का भाई साहब जबरदस्त काम हो रहा है छत पता ही हो है। ये तो मेरे ख्याल में कई साल तो सफाई करी को ना है ना, और टंकी तो भाई खोल के देखनी पड़ेगी। दिन की शुरुआत हुई को ना और इतने पसीने आ लिए हैं और वो तो धूप को ना आज। और गाइस ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ऑफिस, देखो ऊपर का जो व्यू आ रहा है ऑफिस का, बढ़िया व्यू है। नहीं इस तरफ मेट्रो है, देख कितना डंगा हो रहा है। टंकी देखते हैं अंदर तक कितनी गंदी हो रही है, कुछ खास गंदी तो कौन है टंकी तो टंकी साफ अभी है कुछ खास, मतलब थोड़ा बहुत रेत है पर साफ करवा लेंगे, करवा लेते हैं साफ। चल चलते हैं नीचे भाई, सबसे बड़ा टास्क तो यू नीचे उतरने का, सीढ़ी का सबसे बड़ा टास्क गाइस नीचे उतरना। ये भाई नया नया ब्याह होया है, पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, बूढ़ा हो लिया है तेरा ब्याह, नया नया ब्याह नहीं रह रहा, मौसम ने मार खा दिया। ले 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 वो तुम जल्दी आ जाओ भाई नीचे, तसला ले लिया है भाई काम तो ही ठीक है भाई। ये वीडियो कल आई है, 24 घंटे में 3 लाख पार हो लिया भाई। एक्सक्यूज़ मी भाई, देखा एक्सक्यूज़ मी भैया, देखा करे रही थे क्यों सैड क्यों है भाई। अरे बारिश देख का सारा काम खराब हो गया, ऊपर वाली टंकी खाली करी साफ करने के लिए, अब पानी नहीं है, अब लाइट भी चली गई, और जो लेबर लेकर आ रहे हैं उनका बाहर में कैसे काम करूँ बारिश में, अंदर काम कैसे होगा, डर पूछेगा पानी नहीं है। तो दिन की शुरुआत हुई है कुछ ऐसे का, आज का हम लोग गेम प्लान करते हैं और देखते रहो भाई हमारा दिन कैसे निकलता है आज, क्योंकि आज हम सारा काम करने वाले हैं, सारा सामान लेके आने वाले हैं। तो दिन की शुरुआत अगर ऐसे हुई है तो आज का दिन कैसे जाने वाला है तो वो आपको कल देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नई वीडियो आते ही आपके पास आ जाए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो ठीक है, और अपना प्यार दो भाई, लव यू।